बच्चों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? उठ, अरे उठ ना। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। क्राइम पेट्रोल के जरिए हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर उस इंसान की कहानी आप तक पहुंचाएं जिसके साथ अन्याय हुआ हो या फिर जो किसी भी तरह के क्राइम का विक्टिम बना हो। आज के इस केस को चुना है हमारे क्राइम एक्सपर्ट शम्स ताहिर खान ने, और क्यों चुना है आइए उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शम्स ताहिर खान क्राइम पेट्रोल सतर्क के जरिए इस पूरे महीने लेकर आ रहा हूँ कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए। कहते हैं ऊपर वाला यानी भगवान, अल्लाह या गॉड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पर इंसान करता है। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, गोरा, काला, यहाँ तक कि मर्द औरत, इंसानों ने भेदभाव के न जाने कितने पैमाने बना रखे हैं। देश, समाज, घर तक में भेदभाव होता है और इन्हीं भेदभाव की घुटन के बीच जुर्म जन्म लेता है जो हमारे समाज के दोहरे चेहरे को उजागर करता है। चेक करो सर, 20-22 साल के लगते हैं। मुझे लगता है कि कपल्स थे सर, शायद दोनों ने जहर खाया। देखिए इन दोनों के मुंह पे सूखे हुए झाग का निशान है। चेक करो, सेक्सुअल असॉल्ट है क्या? चलिए आप लोग। सर, अंडरगार्मेंट और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स चेक किए। मरने से पहले लाश के साथ सेक्स हुआ है। सेक्स या रेप? सर, एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। ऐसे जगह अक्सर ये कपल्स ये सब कुछ करने आते हैं। मेकआउट हुआ होगा, बाद में सुसाइड कर लिया। क्या ऐसा भी हो सकता है सिरके? ये सुनसान जगह पे इसके साथ किसी ने रेप किया और सदमे में आके दोनों ने जान दी, लेकिन ये अभी बताना मुश्किल है। सर, बॉडी चेक करो, कुछ मिलता है क्या? देखो सर, ये दो बॉटल्स मिले हैं। लगता है इसी बॉटल में जहर था सर। लेबल भी नहीं है इसके ऊपर। अरे सर, सर आप ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। पर कितना स्ट्रॉन्ग है सर? 2 दिन से आपकी तबीयत खराब है सर, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना? नहीं, पहले ये इम्पोर्टेंट है, बाद में देखते ब्लड टेस्ट का। सर मैं काम करता हूँ, लैब टेक्नीशियन को बुलाता हूँ, पुलिस स्टेशन, वही चेक कर लेगा। अरे तुम्हारे भाभी जैसा क्यों कर रहे हैं? पीछे क्यों पड़े मेरे? सर हमने पूरा एरिया चेक किया, फोन, आईडिया, पर्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे इन दोनों की पहचान हो सके। हो सकता है इनके घर वाले इनके रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने सुसाइड किया। ये फिर इन्होंने इनकी आईडी क्यों छुपाई? पर इस लड़की की शक्ल देखकर लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा। सर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फिंगरप्रिंट एनालिसिस के पास बोतल भेज देना, और फॉरेंसिक टीम से पता करो उसमें कौन सा लिक्विड था, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी ये बताना बहुत मुश्किल है ये सुसाइड है या रेप। पुलिस को संदिग्ध हालत में मिले इस जोड़े की कहानी आखिर क्या थी? पीएसआई को ऐसा क्यों लग रहा था कि चेहरा देखा हुआ है? क्या वो वाकई इसे व्यक्तिगत तौर पर जानता था या फिर ये कोई मशहूर चेहरा था, कोई जानी मानी शक्ल थी? पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को हल करने में जुट गई बिना इस आभास के कि इस केस का सच कितना खतरनाक साबित होने वाला था। समंदर किनारे मुर्दा पाए गए इस जोड़े की शिनाख्त फिलहाल पुलिस नहीं कर पाई है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद ऐसा लगता है कि मामला खुदकुशी का है, लेकिन खुद क्राइम सीन ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई ये खुदकुशी है, क्योंकि खुदकुशी करने वाला शख्स अमूमन अपनी शिनाख्त नहीं छुपाता बल्कि मरने से पहले वो मरने की वजह लिखकर मरता है। तो क्या इस लड़का और लड़की की मोबाइल, पर्स और आईडी कार्ड कोई चोर ले उड़ा? क्या ये मामला खुदकुशी का है या फिर सोची समझी हत्या है?
सर, डीएनए की प्राइमरी रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की की बॉडी में जो सीमेन मिला था उस लड़के का ही है। उसके बाद दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बना और दोनों ने जहर खा लिया। इसका मतलब हमारा अंदाज सही निकला, सुसाइड केस है। हेलो, दे दिया सैंपल ब्लड का। अभी खुश चिरके? सर याद आ गया, उस लड़की को कहाँ देखा मैंने। सर ये देख, इस लड़की को मैंने एड फिल्म में देखा था। मैंने अपनी बेटी को मजबूर बनने की नहीं बल्कि कामयाब बनने की सीख दी है। उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो जो चाहे वो बन सके। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी है। इसलिए आप भी अपनी बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। सर कब से सोच रहा था इस लड़की को कहाँ देखा, अभी वो ब्लड सैंपल ले रहा था तब मुझे याद आया। सर की आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, लड़की तो वही है। अभी किन्नर को नहीं पता करो और उसे बुलाओ उस लड़की की पहचान के लिए। ठीक है सर। आइए। मैडम नमस्ते, मैं चंपा शिंदे, आप मेरे को इधर काहे को बुलाई? आप शिल्पा शिंदे को जानती हैं? हाँ, मेरी बच्ची है, वो दो दिन से गायब है। मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखाई। आइए दिखाइए। शिल्पा मेरी बच्ची। मैडम कैसे हुआ ये सब, कौन मारा इसे? अभी कुछ कह नहीं सकते। शिल्पा के साथ जिस लड़के की बॉडी मिली है, इन दोनों ने जहर खा के आत्महत्या की है। मेरी बेटी जहर नहीं खा सकती, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। दूसरी बॉडी दिखाइए। दीदी अजीत, अजीत, अजीत मेरा बच्चा। साहब मेरी बेटी शिल्पा ने आत्महत्या नहीं की है, उसे मारा गया है, मर्डर हुआ है उसका। देखो उसने जहर खाया था और बाकी सब रिपोर्ट में नहीं साहब, उसे खिलाया गया है। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली थी साहब, वो कभी भी अपनी जान नहीं ले सकती। शिल्पा की माँ धंधा करती थी, वो एड्स से मर गई। बेचारी शिल्पा तब 3 साल की थी, तब मैं उसको सहारा दी साहब, उसकी जिंदगी नरक होने से बचा ली। लेकिन एक बात बोलूं साहब, ये जो नॉर्मल लोगों की दुनिया है ना साहब, वो बहुत गंदी है। इस दुनिया से मैं शिल्पा को नहीं बचा पाई। वो जिधर भी जाती थी ना, स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस में, तो सब लोग उसको किन्नर की बेटी, किन्नर की बेटी बोल के चिढ़ाते थे। मैं अभी स्कूल कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। स्कूल नहीं जाएगी, घर में छुप के बैठेगी? क्यों, कुछ गलत की क्या तू? नहीं ना, तो डरना नहीं, चंपा शिंदे की बच्ची है तू, खड़ी होकर दुनिया से लड़ना सीख, वरना ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। अब रोना बंद कर मेरी अच्छी बच्ची। धीरे धीरे उसमें हिम्मत आती गई। जब भी शिल्पा कॉलेज जाती थी ना सब, तभी उसको यही सब सुनना पड़ता था, लेकिन अब वो लड़ना और पलट के जवाब देना सीख गई थी। अच्छा शिल्पा, तेरी तो वो बात सच हो गई यार कि मेरी माँ भी एक है, मेरा बाप भी एक है। हो गया तुम लोगों का, लेकिन एक बात बता दूं, मुझे मेरे पेरेंट्स पे बहुत गर्व है। बताऊं क्यों? क्योंकि उसने मुझे तमीज सिखाई, इंसान को इंसान समझना सिखाया, दूसरों की इज्जत करना सिखाया, वो सब सिखाया जो तुम दोनों के माँ बाप भी तुमको नहीं सिखा पाए। इसलिए तू अपने घटिया बिहेवियर से यहाँ पर इतनी देर से नमूना पेश कर रहा है। उठ, अरे उठना। और एक दिन उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया, उसी के कॉलेज में, अजीत देशमुख। गाड़ी रोको, रुको। यही चाहते थे ना तुम? हाँ। कौन था वो लड़का?
अरे बेटा तू बोल तो सही, वो पसंद है ना तुझको? अजीत अब हम लोगों के घर आने जाने लगा था। चलो बेटा शुरू करो। बेटा पहले भिंडी खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। भिंडी नहीं, भिंडी बनाती है तू। बेटा तुम कड़ी खाओ। अरे नहीं नहीं मैंने ले बेटा खाओ। अरे तुम दोनों उसे खाने भी दोगी या झगड़ा ही करती रहोगी? बेटा तुम खाओ। सभी बहुत प्यार करते थे उसे, फरिश्ता बोलते थे, क्योंकि किन्नर की बेटी का हाथ थामने की हिम्मत दिखाई थी उसने। इस रिश्ते से सभी खुश थे सिवाय अजीत के परिवार को छोड़ के। मैं खुद उनको समझाने को गई थी। मैं शिल्पा को खूब पढ़ाई लिखाई, उसको अच्छे संस्कार दिए। देखना एक नंबर की बहू बन के रहेगी वो इस घर की, पूरा देशमुख परिवार उस पर नाच करेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चंपा, तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो हम भी तो रातों रात फ्रंट पेज की न्यूज में आ जाएंगे, रातों रात फेमस हो जाएंगे, लोग हम पे चुटकुले कसेंगे। और जब उनके बच्चे होंगे ना तो तुम ताली पीटने और नाचने गाने आ जाना। सच में बहुत गर्व होना चाहिए हमें ऐसी बहू पर। देखिए मैं तो भले की बात कर रही थी, बाकी आप लोग जो सही समझे वही कीजिए, लेकिन बच्चों ने शादी करने का फैसला कर लिया है, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना मैं। साहब पक्का तो नहीं कह सकती कि ये सब देशमुख परिवार ने किया है, हाँ लेकिन इतना पक्का कह सकती हूँ कि अजीत और शिल्पा ने आत्महत्या नहीं की, उन दोनों को मारा गया है साहब, उन दोनों के कातिलों को पकड़िए साहब, उस पर मेहरबानी करिए साहब, उन दोनों के कातिलों को पकड़िए। संभालिए अपने आप को, जो सच होगा वो जल्द सामने आ जाएगा। सिरके चलो अजीत के इज्जतदार परिवार से मिल के आते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। इसमें कहना क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए कौन एक किन्नर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। हमने अजीत को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। कि अजीत की दी हुई शय थी कि एक किन्नर की इतनी हिम्मत हुई क्या वो हमारे घर आके हमें समझा रहा था। तो उस किन्नर की हिम्मत हुई आपके घर आने की, लेकिन आप लोगों में बिल्कुल श्रद्धा नहीं कि अपने खोए हुए बेटे की मिसिंग कंप्लेंट करे पुलिस में जाके। सर अजीत अक्सर शिल्पा के घर जाया करता था तो कई कई दिन वही रहा करता था, तो हमें लगा कि वो वही होगा। चलो मान लिए आप लोगों को पता नहीं था कि वो मर चुका है, लेकिन हमने खुद आपको बोला कि वो मर गया, हम यहाँ खुद ही आपको बताने के लिए आए, फिर भी आप उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है इसीलिए मैं अभी केशव को भेजती हूँ। केशव मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो बिजनेस मीटिंग है। केशव इंस्पेक्टर साहब आप चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर। सिर के काम करो, इन सब के मोबाइल नंबर ले लो और पता करो मर्डर के दिन क्राइम सेंटर कोई था क्या। ठीक है सर। जिसने हिंदुस्तान की हजारों लाखों माओं को एक सीख दी कि बेटी को बोझ नहीं मानते, उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, लेकिन वो आज खुद टूट कर पूरी तरह बिखर चुकी है। उसकी बेटी शिल्पा की संदिग्ध मौत ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया है। सर चंपा का ये कहना है कि शिल्पा और अजीत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बता नहीं सकते, तहकीकात जारी है। सर वन मोर क्वेश्चन, सर क्या चल रहा है, हमें हमारा काम ही करने दो, आप जाइए घर पे। साहब मैं नहीं बुलाई ये लोग को, हम लोग तो घर पे ही जा रहे थे, ये लोग कहाँ से आ गए पता नहीं हमको। आई घर चलना, जब से शिल्पा गायब हुई है तब से तूने कुछ खाया भी नहीं। ये कौन है? ये सूरज है, मेरे चाय का बाकड़ा संभालता है, मेरा बच्चा है वो। लेके जाओ इनको घर पे। जाओ तुम लोग भी जाओ, कुछ रहेगा तो बताएंगे हम। जाओ सर। अजीत के पिता यशवंत देशमुख आए थे, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि शिल्पा के डेड बॉडी के साथ जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है वो अजीत देशमुख की है। इतना अजीब परिवार मैंने आज तक नहीं देखा सर, जवान बेटे की मौत हो गई लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई सर, यहाँ तक कि अपने बेटे की बॉडी तक देखने नहीं आए। अरे वो किन्नर के बेटी के साथ शादी करने वाला था ना, हो सकता है इस वजह से पूरा परिवार उससे नाराज हो। सर अजीत और शिल्पा की मर्डर की वजह भी हो सकती है ये। हाँ लेकिन मर्डर हुआ तो अभी तक तो सुसाइड लग रहा है। वो अजीत के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? सर वैसे तो कुछ खास नहीं मिला है, हालांकि उन दोनों के फोन तभी स्विच ऑफ हुए थे जब उन दोनों का मर्डर हुआ। फोन रिकॉर्ड को मैंने अच्छे से चेक किया है, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है,
वो दोनों एक दूसरे से ही बात करते थे। और फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर फिलहाल ये दोनों रिपोर्ट नहीं आई है। शिल्पा बहुत सही लड़की थी मैडम, उसका किसी के साथ कोई पंगा नहीं था, हमेशा खुश रहती थी और लोगों को भी हमेशा खुशी रखती थी। और तू तेरे साथ कैसी थी? मैडम आप चाय पियेंगे? बिलास दो चाय। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले बता तेरे साथ कैसी थी? मेरे साथ भी अच्छी थी मैडम, सब बात बोलती थी मेरे को, उसे फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, हमेशा मेरे को फोटो निकालने के लिए बोलती थी। ये देखो ना मैडम उसकी फोटो, ये जब उसने पहली बार साड़ी पहनी। सॉरी सर पर मुझे देशमुख फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। अरे मैडम बात तो सुनिए साहब। हाँ बोलो साहब। ये देशमुख फैमिली बहुत ही अजीब है साहब। अजीब मतलब? मतलब क्या साहब, दिन भर लड़ाई झगड़ा रहता है इनके घर में। ये तो खुद भी एक दूसरे से अच्छे से बात तक नहीं करते, और उनका बेटा है ना अजीत, क्या बताऊं साहब। मैंने सुना है कि वो एक नंबर का दारूबाज है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अपनी माँ से खूब झगड़ा किया ना वो। किस बात पर झगड़ा हुआ था साहब? उसको लगता था कि उसकी माँ का ना वो कोई वैद है, उसके साथ लफड़ा चालू। मैंने बताया ना आपको साहब बहुत अजीब फैमिली आ रही है, उनके घर में कोई बीमार पड़ता है ना तो डॉक्टर थोड़ी ना आता है, वो वैद्य है सत्यानंद, वही सबकी बीमारी का इलाज करता है। हाँ अभी थोड़े दिन पहले मैं इस्त्री करे कपड़े लेके गया था मालकिन को देने के लिए, तो दरवाज़ा खुला था साहब, तब मैं अंदर देखा दोनों माँ बेटे में वैद्य को लेके खूब बुमाबूम चालू था। जब आपकी तबीयत खराब है ही नहीं तो फिर आप हर दूसरे दिन उस वैद्य के पास क्या करने जाती हैं? तबीयत इसलिए ठीक है क्योंकि मैं वैद्य के पास जाती रहती हूँ। जब वैद्य यहाँ पर बाबा का इलाज करने आते हैं तब आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकती? मैं वैद्य के यहाँ अपनी तबीयत के हिसाब से जाऊंगी या तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से? आई बहाने देना बंद कर, मुझे ना सब पता है तेरे और उस वैद्य के बीच में ना क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? आपको शर्म आती है ऐसी घटिया हरकत करते हुए और उस वैद्य के साथ सोते हुए? बदतमीज, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? साहब सब जगह पूरी बात फैल गई थी कि मालकिन का चक्कर है वो वैद्य के साथ। पता नहीं उस किन्नर ने और उसकी बेटी ने क्या जादू कर दिया था मेरे बच्चे पर, मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया था। पहले अच्छा था, हंसकर बातें करता था, हमारे साथ टाइम बिताता, लेकिन जब से उस शिल्पा के चक्कर में पड़ा तब से घर वालों को कुछ समझता ही नहीं था, बात बात पे झगड़ा करता था। हमें पता चला है कि आपके बेटे का कहना था कि आपका और वैद्य सत्यानंद आप दोनों का अफेयर चल रहा था। ये बिल्कुल झूठ बात है, पता नहीं ये बात उसके दिमाग में किसने डाल दी थी। मैंने उससे हजार बार पूछने की कोशिश की लेकिन इस बात का कभी जवाब नहीं दिया उसने। और वो सत्यानंद जी वो तो देव मानुष है, उनके बारे में तो ऐसा सोचना भी पाप। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी तकलीफ होती थी अपने बेटे के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर। आई काकी बिना मेकअप के भी तो बाहर जाया जा सकता है ना, पर आप लोग ये वाली बात कहाँ समझोगे? ए पोरी ये क्या तू आप लोग लगा रखी है? अरे आई सॉरी 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 सॉरी, मेरा मतलब है कि हम लोग, पर हम लोगों में भी तो तुम सबको ऐसे बाहर जाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है, ऐसे भर भर के मेकअप लगाना पड़ता है और ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, अब मुझे क्या जरूरत है मेकअप की, मैं तो ऐसी सुंदर हूँ। वैसे भी मन सुंदर होना चाहिए, तन कम भी सुंदर हो तो चलता है। देखो तो दीदी क्या क्या बोल रही है, कितना भाव खा रही है। अरे भाव तो खाएगी, हमारी शिल्पा कौन सी हीरोइन से कम सुंदर है? ये है मेरी सबसे अच्छी काकी। ऐसे ही खुश रहो, खा ले जितना भाव खाना है खा ले, जब दो तीन बच्चे पैदा कर लेगी ना तो मोटी हो जाएगी, तब पूछूंगी तेरे से मैं। बच्चे? मैं कोई बच्चे पैदा नहीं करने वाली। अरे मैं क्यों अपना फिकर खराब करूं? मैं जा रही, आप लोग नहीं समझोगे। दामिनी अगर अजीत के घर वाले और उस धोबी की माने तो अजीत एक नंबर का अय्याश लड़का था, शराब पीता था, ड्रग्स लेता था, अपनी माँ के चरित्र पर ही शक करता था, जबकि चंपा और बाकी लोगों की माने तो अजीत एक नंबर का परफेक्ट लड़का था। समझ नहीं आ रहा आखिर इस अजीत की सच्चाई क्या है। सो ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों में से कोई अजीत के बारे में झूठ बोल रहा हो। मैडम ये पीएम रिपोर्ट। सर इस डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो रही है कि शिल्पा के साथ मर्डर से पहले रेप हुआ है।
क्योंकि कॉन्डम के लुब्रिकेंट उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिले। मतलब अजीत ने शिल्पा के साथ दो बार सेक्स किया, एक बार कॉन्डम के साथ और दूसरी बार बिना कॉन्डम के, क्योंकि पहली पीएम रिपोर्ट में शिल्पा की बॉडी में जो सीमेन मिला था वो अजीत के डीएनए से मैच करता है। या फिर अजीत के अलावा कोई ऐसा है जिसने शिल्पा के साथ रेप किया, वो भी कॉन्डम यूज करके। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट दिखाना। ऐसा कैसे हो सकता है, बॉटल पर किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं। मतलब बॉटल से फिंगरप्रिंट हटाए गए, और ऐसा तभी हो सकता है जब जब उन्होंने जहर पिया ना, बल्कि उन्हें जबरदस्ती पिला दिया गया हो। छोड़ मुझे, अजीत नहीं। और बॉटल पे से फिंगरप्रिंट्स भी जानबूझ के हटा दिए गए हो। इसका मतलब दामिनी ये सुसाइड केस नहीं है, बल्कि मर्डर केस है, डबल मर्डर केस। अरे आप लोग क्या समझेंगे कि एक मां का कलेजा कैसे फटता है जब उसकी जवान बेटी को कोई मार डालता है। मुझे मालूम था मुझे, मुझसे और मेरी बेटी से कई लोग जलते हैं। आज उन सब लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। मेरी बेटी का कातिल चैन से नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। काम करते सर, आप तो सिक लीव पे थे ना, रेस्ट चल रहा था आपका। कैका रेस, डबल मर्डर केस, टेंशन का काम। चलो बंद करो, ये कटे बंद करो। मर्डर ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जबरदस्ती जहर पिलाने के बाद बोतल से अपने उंगलियों के निशान मिटा दिए। क्या ऐसा तो नहीं कि 21 फरवरी को अजीत और शिल्पा दोनों 8 से 9 के बीच मिले, उनमें फिजिकल रिलेशन डेवलप हुआ और उस वक्त वहां कोई आया, या तो पहले से वहां कोई मौजूद था, या तो प्लानिंग से, या तो रैंडमली। और अगर रैंडमली वहां कोई आया है तो उसके पास जहर की बोतल कैसे आई? इसका मतलब जो आया वो प्लानिंग से आया। उसने पहले अजीत को जबरदस्ती जहर पिलाया, अजीत के ऊपर जहर का असर होने के बाद वो शिल्पा के पास आया। शिल्पा ने बचने की कोशिश की हो, लेकिन वो सामने वाला उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, या तो एक नहीं एक से ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में उसने शिल्पा के साथ रेप किया, उसे जबरदस्ती जहर पिलाया, उसने बोतल से फिंगरप्रिंट मिटा दिए और वो बोतल दोनों के बीच में रख दी ताकि वो सुसाइड लगे। तो कौन था ये आदमी, और अजीत के बारे में हमारे पास दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन क्यों आ रही है? झूठ कौन बोल रहा है और किस लिए? क्या ऐसा तो नहीं कि इस बात का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो? सर यही बात तो हम दोनों के भी समझ में नहीं आ रही कि एक ही आदमी की दो छवि, एक ब्लैक और एक व्हाइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंपा ने यह मर्डर किया, लेकिन अभी हमें दिखाने की कोशिश कर रही है अजीत बहुत अच्छा था, उस समय पसंद करती थी। या फिर अजीत वैसा ही था जैसा उसके घर वाले बताते। सर अगर ऐसा है तो फिर शिल्पा के साथ रेप और मर्डर क्यों हुआ? और अगर वाकई ऐसा है तो इस मर्डर में देशमुख फैमिली भी इन्वॉल्व है। पर सर देशमुख फैमिली अपने ही बेटे का मर्डर क्यों करवाएगी? वो सिर्फ शिल्पा का मर्डर करके छोड़ सकते थे। जरूरी नहीं दामिनी, क्योंकि सुहासिनी और बाकी लोगों के बयान के मुताबिक अजीत से वो सब परेशान थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कांटे एक साथ निकाले हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफा प्यार का मामला हो। हो सकता है सर। चंपा का मुंह बोला बेटा सूरज, मैंने उससे पूछताछ की थी। जिस तरह से वो शिल्पा के बारे में बात कर रहा था, उसके फोन में अपनी फोटोज नहीं शिल्पा की फोटोज थी। कि बात करने के तरीके से तो यही लग रहा था कि उसे शिल्पा पसंद थी। तो तुम्हारा कहना ऐसा है कि वो साइलेंट लवर सूरज, उसके पास मर्डर का मोटिव था? यस सर। हो सकता है शिल्पा से बदला लेने के लिए उसने उसका रेप किया। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, आगे पीछे कौन है जरा पता करो, और मर्डर के दिन वो कहाँ था ये भी पता करो। यस सर। दामिनी 4 चम्मच शक्कर वाली चाय बोलना। अरे सर आपका शुगर वैसे ही थिन। चुप बैठ, मुझे कुछ नहीं हुआ जब तक मैं शक्कर वाली चाय पीता नहीं, मेरा दिमाग नहीं चलता है, समझा ना? 4 चम्मच शक्कर वाली चाय। मैं शक्कर वाली चाय पीता हूं, बिना शक्कर वाली चाय चाहिए मुझे। क्या देख रहे हो, जाओ। करेले का जूस तुम्हारे लिए, और शिरके ये आज ही खत्म होना चाहिए। ओ वैनी सर दू
सर, अजीत देशमुख के पिता यशवंत देशमुख आपसे मिलने आए। बोला सर, मैंने उनको बोला पर वो बाहर ही बैठ गए, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछने आया हूँ मेरे अजीत को किसने मारा। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाए। जल्दी पता लगाइए, मैं जानना चाहता हूँ मेरे इतने शरीफ बेटे को किसने मारा और क्यों। शरीफ, आप लोगों का तो कहना था वो अय्याश था। उसे कोई बुरी आदत नहीं थी, ईमानदार था, नेक था, सबकी इज्जत, सबकी इज्जत। हॉस्पिटल चल 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 संभाल संभाल। मेरी बेटी का कातिल चैन से नहीं जी पाएगा, नहीं जी पाएगा वो शिल्पा। एकदम हीरोइन लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटी को। सही कहा आपने, शिल्पा के पास फेस के साथ साथ एक्टिंग का टैलेंट भी है, अगर ये चाहे तो इंडस्ट्री पर राज कर सकती है। अरे नहीं रे बाबा नहीं, हम लोग को जाने का ही नहीं उधर, सब भेड़िए तुम लोग के धंधे में, मेरे को सब मालूम है। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, इसलिए आप भी अपनी बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। जब उनका भविष्य उज्जवल बनेगा तो वो आगे बढ़ेगी और साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। एक प्रेमी जोड़ा जिनकी मौत अब तक दुनिया से नाराजगी की वजह से की गई आत्महत्या लग रही थी, अब कत्ल में तब्दील हो चुकी थी। यह भी साफ हो गया था कि मर्डर से पहले शिल्पा के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस के पास सस्पेक्ट तो कई थे लेकिन सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं था। मीडिया भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए था और तभी यशवंत को हॉस्पिटल भेजने से पुलिस को एक उम्मीद मिली। यशवंत की ब्लड रिपोर्ट में एक ऐसा सच सामने आया जिससे यह पता चला कि उसे किसी ऐसी जड़ी बूटी का सेवन करवाया जा रहा था जो धीमे जहर की तरह काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो कमजोर था, बीमार था और मौत की तरफ बढ़ रहा था। इस जड़ी बूटी की इतनी गहरी जानकारी सिर्फ एक इंसान को हो सकती थी और वो था देशमुख परिवार का वैद्य सत्यानंद। सर, वो दवा के नाम पे जो जड़ी बूटी मैं यशवंत को देता हूँ वो धीरे धीरे जहर का काम करती है और उसी की वजह से यशवंत बीमार रहता है। पर लेकिन ऐसी जड़ी बूटी क्यों देता था उसको? सर वो मैं, अरे मैं क्या बोल, देख पढ़े लिखे इंसान पे मैं हाथ नहीं उठाता, लेकिन ये शिरके ये किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता है और उसने हाथ उठाया ना तो कितना भी जख्म होने दे कोई मरम काम नहीं आएगा। बोलेगा शिरके तू बोल। नहीं सर, सब सब बताता हूँ मैं। बोल। मेरा और सुहासिनी का अफेयर चल रहा है तो हमने तय कर लिया कि हम यशवंत को कमजोर बना देंगे, धीरे धीरे जहर देकर मार देंगे ताकि हमारा रिश्ता बना रहे और हमारे ऊपर कोई शक ना करे। का मातर चल लागला के तुला, मतलब ये अफवाह नहीं थी, ये सच था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है और ये बात अजीत को पता चली। सर एक दिन मैं और सुहासिनी घर पे थे और घर में कोई नहीं था तो आई वो मेरा बैग। अजीत और सुहासिनी के बहुत झगड़े होते थे लेकिन सुहासिनी हमेशा यही कहती थी कि मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, झूठी बातें फैला कर वो। अच्छा तो अजीत को अय्याश साबित करके तुम्हारा फायदा नहीं हुआ इसलिए यशवंत की तरह उसको भी तूने जहर दे दिया, सिर्फ माइल्ड नहीं स्ट्रांग जहर दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं तो तुम लोगों ने शिल्पा को भी जहर दे दिया, वो मर गई, वो बोतल वहीं छोड़ दी ताकि सब लोगों को लगे इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसने मारा? सुहासिनी ने? नहीं सर वो तो मुझे पता नहीं है। शिरके यशवंत को जहर देने के जुर्म में इसको अंदर डालो और उस सुहासिनी को मिलो, देखो क्या नई कहानी सुनाती है। जी, कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर, वो मैं झूठ बोल रहा है, मैं उसके साथ अफेयर क्यों करूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। झूठ वैध नहीं
झूठ सुहासिनी बोल रही है, क्योंकि उसको पता है अब अजीत उससे जवाब नहीं मांगेगा और वैद्य को भी झूठा साबित करेगी। इस मर्डर में वैद्य ने उसकी मदद नहीं की तो किसी ने तो की होगी और उसकी फीस भी उसे देनी पड़ी होगी। एक काम करो, उसका अकाउंट चेक करो और देखो 21 फरवरी से पहले उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए क्या। सुहासिनी ने अकाउंट से पैसे निकाले नहीं है, बल्कि 20 फरवरी को 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किए। किसके अकाउंट में? सासू माँ ने पैसे ट्रांसफर किए थे 1,00,000 रुपए, लेकिन मैंने उनको वापस कर दिए थे। अच्छा, हाँ तो जमाई और सासू माँ ट्रांसफर खेल रहे थे। उसने 1,00,000 रुपए क्यों दिए तुझे? वो उन्होंने वो अजीत और शिल्पा को मारने के लिए सुपारी के लिए दिए थे, लेकिन साहब मैंने नहीं मारा उनको, मैंने पैसे वापस कर दिए। आप चाहे तो मेरा मोबाइल लोकेशन कहाँ गया था, किसको मिला था, सब चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहा है तो तूने और तेरे सासू ने सुहासिनी ने मिलकर ही मारा उन दोनों को? नहीं नहीं साहब, मैंने सही में पैसे वापस कर दिए, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मान लेते तुम सच बोल रहे हो, केशव क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो एक नंबर का कमीना और कामचोर है, घर जवाई बनकर बैठा है। उसके खर्चे, कपड़ा, खाना पीना सबके पैसे मैं देती हूँ, इससे भी उसे शांति नहीं मिली। अब वो मुझे जेल भिजवाकर मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहता है। सर, जिस रात शिल्पा और अजीत का मर्डर हुआ था, उस रात मोबाइल लोकेशन के हिसाब से सूरज अपने घर पे ही था। पर केशव बर्फ सर, उसके कॉल लोकेशंस और मोबाइल रिकॉर्ड से कुछ खास पता नहीं चला। चलिए काम करो, बीच पर जहाँ शिल्पा और अजीत की बॉडी मिली, पता करो उस दिन शाम से लेकर देर रात तक किसके किसके मोबाइल नंबर वहाँ एक्टिव थे और उन नंबर का इन दोनों के साथ कुछ कनेक्शन था क्या। सर, ये बोतल में मिली है जहर की फॉरेंसिक रिपोर्ट। अजीत और शिल्पा को जहर दिया गया था और वो जहर धतूरे से बनाया गया था। धतूरे से जहर बनाया जा सकता है? और धतूरा मिलना आम बात है। सो वैसे धतूरा मिलता जंगल में है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन पे ये हर शिव मंदिर के बाहर मिलेगा, क्योंकि शिवरात्रि पे चढ़ावे में धतूरा चढ़ाने की प्रथा है। एक मिनट, महाशिवरात्रि 21 फरवरी को महाशिवरात्रि थी। एक काम करो शिरके, जितने भी शिव मंदिर है उसके बाहर, उसके आसपास जितने भी फूल के दुकान है, वहाँ सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और देखो किसने इतने भारी मात्रा में धतूरे खरीदे। और एक बात पता करो, मुंबई या मुंबई के आसपास धतूरे के जहर से किसी को मारा गया था, ऐसा केस आया है क्या? हो सकता है देशमुख परिवार का वैद्य और एक चंपा की बिरादरी वाले ये जरूर जानते होंगे कि धतूरे से जहर कैसा बना जा सकता है। तभी तुम एक काम करो, चंपा से जुड़े हुए सारे लोगों की पूछताछ करो। यस सर। सूरज के बैकग्राउंड का कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, बस इतना ही पता चला है कि सूरज के आगे पीछे कोई नहीं है, चंपा ही उसके लिए सब कुछ है। इनफैक्ट चंपा के साथ वो कई सालों से है। नजर रखो उस पे, हो सकता है ऐसा कुछ हो जो हमारे नजर में नहीं। ठीक है सर। मार डाला, मेरे दोनों बच्चों को मार डाला। एक माँ की चीख पुकार है जिसने अपने दो बच्चे एक के बाद एक खो दिए। अगर पुलिस शिल्पा और अजीत के कातिल को ढूंढ निकालती तो क्या सूरज जिंदा होता? क्या सूरज की हत्या को भी इसी कड़ी की साजिश माने? कैसे पुलिस की लापरवाही समझे? आखिर पुलिस कर क्या रही है? ये एक माँ की चीख पुकार है जिसने एक एक कर अपने दोनों बच्चों को खो दिया। पुलिस अगर शिल्पा और अजीत के कातिल को ढूंढ निकालती तो क्या पता सूरज जिंदा होता? क्या सूरज की मौत इस कड़ी का कोई हिस्सा है, या फिर सूरज शिल्पा और अजीत के कातिल को जान चुका था और इसीलिए उसकी जान चली गई? पुलिस की नजर में सूरज इस मर्डर में सस्पेक्ट था, फिर उसकी मौत पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल या निशान लगाती है। क्या आखिर पुलिस कर क्या रही है?
पुलिस ये सोचकर हैरान थी कि क्या चंपा की बिरादरी में भी कोई ऐसा था जो इस रिश्ते के खिलाफ था। इस जानकारी को हासिल करने के लिए पुलिस ने खबरियों का जाल बिछाया और जो खबर सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। ठीक से बैठो। तुम अजीत और शिल्पा के रिश्ते के खिलाफ थी, फिर भी तुमने उन्हें आशीर्वाद दिया था, ऐसा चंपा ने कहा। इसे हमारा आशीर्वाद समझ के पी जाओ, हमारी दुआओं से तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, बहुत बड़ा नाम होगा तुम्हारा और हमारी बिरादरी तुम्हारे साथ होगी। लो पी लो। हमने इस रिश्ते के मंजूरी के लिए खाली एक ही शर्त रखी थी। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि शिल्पा और अजीत उनका पहला लड़का हमें सौंपेंगे और फिर हम उस बच्चे को किन्नर बनाएंगे और हमारी बिरादरी में शामिल कर देंगे। ये कैसी शर्त है? हम ऐसी कोई शर्त पर नहीं मानने वाले आपकी। आप ऐसे सोच भी कैसे लिए कि हमारा बच्चा? गप, चंपा, समझा इसे, वरना हम तुझे बिरादरी से निकाल देंगे। और बिरादरी से बाहर होना क्या होता है ये अच्छी तरह से जानती हो तुम। हाँ साहब, राजा रानी ने शर्त रखी थी, लेकिन ये बात मैं आपको कैसे बताती, क्योंकि ये हमारे बिरादरी की बात थी ना, और मैं बिरादरी से अलग थोड़ी हूँ। हमारी बिरादरी में राजा रानी सबसे बड़े होते, उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, तो भला मैं कैसे इनकार कर सकती थी। तो बिरादरी से बाहर होने के डर से तुमने अजीत और शिल्पा दोनों को रास्ते से हटा दिया, मार दिया उन्हें ना? वाह साहब वाह, मैं किन्नर हूं ये बात आप नहीं भूले, लेकिन मैं एक मां भी हूं ये बात आप भूल गए। शिल्पा की हालत मैं समझ सकती थी, क्योंकि उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ थी, मैं सिर्फ उसकी सुरक्षा और भविष्य के लिए उसे मनाना चाहती थी, लेकिन ये हो न सका साहब। मेरे मनाने से पहले ही मेरी बच्ची मुझसे दूर चली गई साहब, मुझसे दूर चली गई। खाली चंपा दीदी ही नहीं, हम सब भी शिल्पा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो हम सब की बेटी थी। पर चंपा के बार बार एक ही बात बोलने से एक दिन शिल्पा चंपा पे सॉलिड भड़क गई साहब। शिल्पा, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती बेटा? इसी दिन के लिए पाला था मुझे कि एक दिन अपनी किन्नरों की बिरादरी बढ़ाने के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ाओगी। आई, तूने पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन ये याद रख कि मेरे वजह से तुझे इतना नाम मिला। एक्ट फिल्म करती है ना, 36 जगह इंटरव्यू देती है जाके, तो उसी टीवी पे जाके बोलना कि अपनी बेटी का बच्चा छीनकर उसे किन्नर बनाना चाहती है। फिर देख क्या होता है तेरे नाम और तेरे शौहरत के साथ। सर, मैंने 21 फरवरी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की। सर ये देखिए, वर्तक नगर के शिव मंदिर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला? दामिनी, तुमने 2 दिन पहले एक पेपर कटिंग फाइल में लगाई थी, उसको लेके आ। शिरके, देखो लग तो यही रहा है ना? हाँ सर, दिख तो यही रहा है, बट सिर्फ फुटेज के बेस पे साबित कैसे करेंगे? 21 फरवरी का इसका मोबाइल लोकेशन निकाल। फिंगरप्रिंट मिटाने के गलती के साथ साथ इसने और एक गलती की होगी, मोबाइल साथ में लेके जाने की। सर, पिछले साल चेंबूर में धतूरी की जहर के वजह से एक की मौत हुई थी, उस केस की एफ आई। मरने वाले का नाम आशा था और वो किन्नर था, और उसके रूममेट को सस्पेंड बना के रखा था पुलिस वाले ने।
लेकिन कुछ सबूत नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया। मरने वाली के रूममेट का नाम देख रहे हो? बुलाओ उसे, उसका धतूरा हम बनाएंगे। अरे क्या साहब, आप खाली फुकट मेरे को तकलीफ दे रहे हो। अरे मैंने कुछ नहीं की। माना कि आशा धतूरे का जहर खा के मर गई, वो मेरे साथ रहती थी ना, तो इसलिए चेंबूर पुलिस मेरे को उठा के ले गई। पर साहब मैंने कुछ नहीं की थी, इसलिए वो लोग मेरे को छोड़ दिए। मतलब कल को कोई धतूरे का बीज खा के मरेगा तो आप लोग मेरे को उठाओगे, मेरे को फंसाओगे। बहुत लॉजिकल बात कर रही है ये ना, लेकिन हमारे पास एक नहीं बहुत सारे सबूत है, वो भी लॉजिक के साथ। नंबर एक, वर्तक नगर में जो शिव मंदिर है उसके बाहर का सीसीटीवी फुटेज चिड़की दिखाओ जरा। नंबर दो, जिस दिन शिल्पा और अजीत का मर्डर हुआ उस दिन की तेरी मोबाइल लोकेशन वही की है। अब बोलेगा कर दे सर। चार नंबर तो बाम हो गया सर। मैं सब सच बताती, मेरे को मालूम था शिल्पा और अजीत गुपचुप किधर मिलते हैं। मैं गई उधर, मैंने मदद ली और दोनों को मार दिया। किसकी मदद ली? सर दिन में धतूरे से जहर बनाने में मदद की और रात को पुष्पा दीदी के साथ समुन्दर किनारे में गए। जब हम दोनों उधर गए तो दोनों लगे पड़े थे शिल्पा चंपा को महान बनाई थी, इसलिए शिल्पा को मैं अपनी आंखों से मरते देखना चाहती थी। दीदी अब सब्र नहीं हो पा रहा। चुप, रुक जा दो मिनट। आवाज नहीं। लाइट, लाइट, लाइट क्या है बोतल में? ये क्या है? इसमें शिल्पा को जिंदा देखना चाहता है ना, तो चुपचाप पी ले, वरना यही इसमें इसकी गर्दन काटने की। जाने दीजिए। तू पीता है या काटू गर्दन? नहीं नहीं नहीं। चल पी। छोड़ दे मुझे। सुनो हाँ, इन दोनों को आसपास लिटाते हैं और लगना चाहिए कि दोनों ने जहर पी के आत्महत्या की। मेरे को चंपा से बहुत जलन होती थी, धंधे वाली का बच्चा क्या पाल लिया उसने, सारी मीडिया उसके पीछे हो गई। मैं सोचती थी अच्छा अब तूने बच्ची पाली है ना तो लगन करके दिखा, पर शिल्पा को अजीत जैसा भला मानुस मिल गया, राजा रानी आशीर्वाद दे दिए। उसे बहुत तकलीफ होती थी ये सब देख के। सूरज को क्यों मारा? वो मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी चंपा का, कोस रही थी उसको। ऐसा इसमें क्या है? मैं यहाँ ऐसे चढ़ रही है, एक दिन तेरे को भी मैं शिल्पा की तरह मारूंगी। तू मारी ना मेरी शिल्पा को, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। इसके पहले वो मुझे मारता, मैंने उसे मार दिया और फिर उसकी बॉडी को गोनी में भर के सुबह सुबह सोसाइटी के कचरे के पास फेंक दिया। शिरके, पुष्पा के ऊपर सूरज, अजीत और शिल्पा के मर्डर का चार्ज लगा, और विलास इसके ऊपर मर्डर और शिल्पा का रेप इसका चार्ज लगा। चंपा ने किन्नर होने के बावजूद जिंदगी जीने का अपना एक अलग तरीका बनाया, नाच गाकर नहीं बल्कि मेहनत से रोजी रोटी कमाई। एक अनाथ लड़की को माँ का प्यार दिया चंपा और शिल्पा ने, अपनी पहचान बनाने के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई ने उन्हें शोहरत और नाम दोनों बख्शा, यहाँ तक कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया एक समुदाय की परेशानी के बारे में। मगर यही शोहरत उनकी दुश्मन बन बैठी, उसकी अपनी साथी पुष्पा ने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। अगर नफरत को पालने की बजाय प्यार को जगा दें तो इंसानियत भी बची रहेगी और इंसान भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ,
फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।